आज हम जा रहे हैं नागदेव। यहाँ कितना प्यारा सजा हुआ फूलों से, और यहाँ पे आगे आगे चल रही है वर्षा रानी, बड़ी सयानी वर्षा। और यहाँ से हमने जाना है, ये रास्ता है, और हमने बहुत दूर जाना है यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ ही पेड़ है, कितने प्यारे प्यारे पेड़। यहाँ से धूप निकल रही है, और यहाँ पे वर्षा बना रही है वीडियो। फोकस किया जाए वर्षा की वीडियो में। यहाँ पे वर्षा आगे आगे चल रही है। अगर तो वीडियो व्लॉग बना रहा है, तो अगर किसी को किसी बाहर वाले के घर घूमना है तो वो भी आ सकता है। सुन सकते हो आप वर्षा ने क्या क्या बोला है। और ये है नागदेव का रास्ता, अगर किसी को यहाँ घूमने आना है होगा तो वो भी आ सकता है। इधर पूरा नेचर ही नेचर, पेड़ ही पेड़। और ये शिवानी है, और ये प्यारे से उन्होंने डेकोरेट भी कर रखा है रास्ता। कभी हो लो तो आप लोग भी विजिट करना, कि ऊपर टॉप में है, ठंडिया आ रही है। हाँ, और अगर आपको आपको यहाँ घूमने आना हो तो आप आ सकते हैं। इधर हवा बहुत अच्छी है, अगर आपको शांति पसंद है तो शांति भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो कि आप लोग बैठो तो इधर बेंचेस भी लगे हुए हैं बैठने के लिए, इधर कोई खाली है, आप लोग इधर पर भी बैठ सकते हैं। वो भाई कैमरा, हाँ जूम है ना, कहीं नहीं, इधर पे बैठ सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। यहाँ ऊपर पे थोड़ा सा खाली है, और ये रास्ता है बहुत ही प्यारा एकांत रास्ता। और ये नीचे रोड भी दिख रही है यहाँ से। हाँ, ये अगर जा रही है, अगर आपको आप ज़्यादा चढ़ ही नहीं सकते हो, काफ़ी ऊपर पे है और आप चढ़ नहीं सकते हो, तो यहाँ पे रोड भी है। ये जहाँ पे गाय माता है वहीं पे रोड भी है, आप इस रोड पे भी आ सकते हो अपनी व्हीकल खड़ी करके। इधर थोड़ा सा ऊपर आ सकते हो। आइए आइए, सॉरी। ये आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको हवा तो इधर बहुत प्यारी चलती है, एकदम ठंडी वाली, क्योंकि पेड़ों के बीच पे है ना रास्ता। इसलिए अभी तो थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा धूप बादल हो रहा है, तो उस चक्कर में और यहाँ पे अंकल जी तो कुछ तो बना रहे हैं। मिल रहा है अंकल जी ना, भूत पुजा रहे हैं। ओके, पूजा करवा रहे वे, ये अंकल जी लोग पूजा करवा। तो शिवानी जी, आप कितनी बार आ चुकी हैं इधर? मैं यहाँ आ चुकी हूँ लगभग 5-6 बार आई थिंक। हाँ, और इधर गर्मियों में भंडारा भी लगता है, तो वो भी बहुत प्यारा होता है, बहुत का भंडारा। इधर देखिए आप, पूरा जंगल है, पूरा जंगल। आपको अगर फोटो शूट भी करवाना हो इधर तो आप करवा सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। देखो पूरा रास्ता है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली। हाँ, और एक अच्छा सा पेड़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये जो टूटने के कगार पर है, टूटने के कगार पे भी है, और अच्छा उस पे देखो भी जो नई नई घास उगती है वो भी उग रही है, तो वो भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे देखो ये घास भी कितनी प्यारी लग रही है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये घास भी देखो
कितनी प्यारी है। अभी एक तो बारिश का सीज़न है तो नए नए पत्ते वत्ते उग रखे हैं, पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, तो इसलिए इतनी हरियाली है। अगर आप ठंडी के टाइम पर भी आओगे तब भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा यहाँ। बस अभी वो हो जाता है कि इस टाइम पे काफ़ी सारी हरियाली हो जाती है। देखो कहीं पे भी आपको मिट्टी विट्टी कहीं खाली दिखेगा नहीं, पूरी जगह पे पत्थरों पे भी बल्कि में घास ही घास उग रखी है। प्यारा सा व्यू है, वेदर है, ठंडी भी है, शांति भी है। और अभी बरसात के टाइम पे ये थोड़ा बहुत पानी भी आता है ऊपर से, तो वो भी है। ये हल्का छोटा सा ब्रिज, ये पानी आ रहा है, ओह यहाँ से तो नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर आ रहा है वो भी। और ये है स्रोत का पानी, इसको भी पी। अबे ये भी था, पी सकते हैं इसको। हाँ देखिए स्रोत का पानी है, आपको मतलब टेस्ट करने में बड़ा अच्छा लगेगा। हम भी पी लेते हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पे छाता भी टंगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये ऐसी ही चीज़ है। बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। देखो पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। आप यहाँ से देख सकते हो कितने सारे पेड़ हैं। ये देखिए आप देख सकते हो कि कितना शांति है। यहाँ अभी तक हम उस टाइम से आ रहे हैं, कोई भी लोग वोग नहीं दिख रहे हैं। यार नॉर्मली डेज भीड़ नहीं होती। हाँ यार तो भंडारा वंडारा तभी आते जाते लोग या पूजा होगी किसी की, तभी, वरना तो इधर शांति रहता है, कोई आता वाता नहीं है। और यहाँ का गेट दिख रहा होगा, वो देखिए। अभी यहाँ से मंदिर आना चालू हो गया, आपको पास जाकर भी दिखाएंगे। अब देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ है। ये देखिए इधर का, देखो कहीं कहीं पे धूप, इधर पे आपका छाव दिख रही होगी। और इधर साइड पे देखो, यहाँ 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 पे पूरा धूप ही धूप है। और ये शिवानी जी चल रही हैं हाय करते हुए। देखो एक पत्ता था, कहाँ है वो पत्ता, छोटे में जिससे हम नींद लगवाते थे, वो भी है, पर पता नहीं अभी दिख नहीं रहा। वो रोड दिख रही है, रोड के ऊपर धूप हल्की सी, वो रोड है ये यहाँ पे। और ये मंदिर का गेट आ चुका है। जय नागराजा। अभी मंदिर को भी काफ़ी अच्छी तरह, मतलब गेट को भी काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। देखो इधर कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं, एकदम शांति। आप कभी इधर आओगे तो आपको चिड़ियाओं की आवाज़ इतने अच्छे से सुनाई देगी, कोई गाड़ी का शोर नहीं आ रही होंगी आपको। हाँ अगर आपको ये हमारे चलने की आवाज़ छोड़ के आपको चिड़ियाओं की आवाज़ भी आ रही होगी। हाँ यहाँ पे हवा तो हर टाइम पे रहती है, हर टाइम पे। और ये मंदिर को काफ़ी अच्छी, मंदिर के गेट को काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। और ये रहा, बस हम आने वाले हैं, वो है आपका मंदिर, ये ऊपर पे आपको पास से भी दिखाएंगे। आप देखो यहाँ पूरा जंगल है, पूरे का पूरा जंगल।
यहाँ पे बैठने की भी बेंचेस हैं, बट अगर आप लोग बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। पेड़ ही पेड़ है, आप देख सकते हो कितने पेड़ हैं इधर, और आप देख सकते हो हवा से ये और हवा भी देख सकते हो आप। हवा तो हर टाइम पे रहती है, हर टाइम पे। आप पूरे रास्ते में जब तक आए होगे, जहाँ जब तक मंदिर पहुँचते हो, आपको हर टाइम हवा का एहसास तो होता ही रहेगा। और अगर बारिश के टाइम पे आ रहे हो, बचने को छाता होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बैठने के लिए भी है, ये इस एरिया पे। यहाँ पर प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। यहाँ इतना शांति और इतना अकेलापन है कि यहाँ कभी भी, मंदिर बहुत फेमस है बट तब भी इस टाइम पे कभी भी पंडित वंडित नहीं रहते, क्योंकि डर बहुत है। रहते हैं यार, नहीं होते हैं, मतलब रहते हैं, सुबह आते हैं पूजा करके, हाँ सुबह आते हैं फिर पूजा करके चले जाते हैं, क्योंकि डर है ना, पूरे जंगल है। तो आप चिड़ियाओं की आवाज़ सुन सकते हो। जूते कहाँ पे आ रहे हैं? इधर साइड पे, हाथों में पड़ी इधर, यहाँ पे है पानी। और आप देख सकते हो वहाँ पे पानी हाथ में धुलने के लिए भी है, अगर आप शूज़ वगैरह पहन के आते हैं तो। शूज़ यहीं निकाल देते हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरा रास्ता। और हम थोड़ा सा हाथ पांव भी धो देंगे। ठंडा रखा है, पानी के पी भी सकते हैं आप ये पानी। आपको सबसे पहले दर्शन होंगे गणेश जी के। गणपति बप्पा मोरिया। और ये रे पूरा मंदिर, हवा चल रही, चलेगी अगरबत्ती है। माचिस ओ, मेरा कैमरे में हाथ आ गया। ये शिव जी का है, यहाँ पे नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, भाई दूध पानी चला रखा है लोगों ने। माना जाता है, रुक तू बोलेगी ना बंद कर उसको। ये है नागदेव की मूर्ति और ये है गुफा, देख सकते हैं आप लोग।
ये गुफा बहुत अंदर तक जा रही है, इसकी कोई कहानी है। देख सकते हो आप यहाँ से अंदर ये गुफा जा रही है, यहाँ से अंदर नाग देवता छिप गए थे इस गुफा के अंदर, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। और हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे दो ऐसे पेड़ हैं जिनमें नाग देवता की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक में तो हेड बना हुआ है दिल शेप का, देख सकते हैं आप आंखें भी बनी है। और एक दूसरा पेड़ है यहाँ पे, इस पे इनका ट्रंक बना हुआ है, इनका नीचे का हिस्सा बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए आपके लिए, यहाँ पे भी है। जब यहाँ पे भंडारा होता है तो यहाँ पे हमें खाना मिलता है या भंडारे का प्रसाद। पर ये देखिए मंदिर के आगे आगे और वो बड़ा तालाब, यहाँ देख सकते हो आगे पे तालाब है। इन पेड़ों में देखो कितनी सारी पौध उग रही है। और देखिए पेड़ों में भी पत्ते क्या है पौध है। ये देखिए पेड़ आप देख सकते हो कितने पेड़ हैं, कितने सारे पेड़ ही पेड़ हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी आ रही है, धूप की किरण। ये देख लो आप कितना अच्छा लग रहा है ये धूप ऊपर है। ये रहा सूर्य देवता। और ये देखिए आप पेड़ से कितना सुंदर लग रहा है, आसमान में हल्के हल्के बादल भी है तो वो भी देख सकते हो आप। और ये बड़े दिख नहीं रहे हैं, दिख तो रहे हैं ये इधर इस साइड, हाँ इस साइड आपको साफ दिखेगा। देखिए ये सारी चीज़ें, इतने पेड़ इतना पेड़ इतना पेड़।